क्षेत्र के गांव मिर्जापुर के स्कूल से बाहर चौथी कक्षा के 10 वर्षीय छात्र गुरमीत का दूसरे दिन भी कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस और गोताखोरों ने नहर पर सर्च अभियान चलाए रखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अलबत्ता अपहरण के आरोपी अक्षय को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है और उसकी प्रेमिका को 2 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। इनसे पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। आदर्श थाना प्रभारी सूरज चावला ने बताया कि जैसे ही सोमवार को सूचना मिली थी कि मिर्जापुर स्कूल के सामने से बच्चे का अपहरण हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची थी। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी तो प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि अक्षय, जिसका की मिर्जापुर गाँव में आना जाना था, उसने बच्चे का अपहरण किया है। आरोपी के अपहरण करने की पुष्टि सीसीटीवी से भी हुई है, क्योंकि मृतक के पिता से उसकी कुछ कहासुनी में हाथापाई हुई थी। इसके अलावा अक्षय और उसकी कथित प्रेमिका के संबंधों के बारे में बच्चे गुरमीत को पता चल गया था, जिस कारण प्रेमिका के इशारे पर बच्चे को ठिकाने लगाने के लिए अक्षय समाना पंजाब से तड़के बाइक पर चलकर आया और उसका अपहरण किया व नहर में उसे फेंक वापस समाना पंजाब अपने ठिकाने पर पहुंच गया। आदर्श थाना प्रभारी के अनुसार सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। आपको बता दें कि घटना वाले दिन अक्षय अपनी मोटरसाइकिल छात्र को बिठाकर कैथल रोड स्थित मिर्जापुर के निकट स्थित भाकड़ा नहर पर सड़क से बाइक और करीब 300 मीटर दूर ले गया था, जहां जाकर इसी दरिंदे ने छात्र को कंधे पर उठाकर नहर में फेंक दिया। बुधवार को गोताखोरों ने परिवार और पुलिस टीम की मौजूदगी में 3 किलोमीटर तक सर्च अभियान चलाया, मगर बच्चे का कोई सुराग नहीं लग सका। बताया जा रहा है कि आरोपी वारदात को अंजाम देने से पहले रात को डेरे में भी किसी के घर पर रुका था, जहां से सुबह मिर्जापुर स्थित प्राथमिक पाठशाला के बाहर पहुंचकर छात्र गुरमीत के आने का इंतजार करने लगा। वह गुरमीत को वहां से अपने साथ ले गया था। इस मामले में छात्र गुरमीत के पिता सोमनाथ से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी आरोपी को गांव में नहीं देखा था। डेरे वालों से जरूर सुनने में आया कि वह अक्सर गांव में आता जाता रहता था। समाज सेवी गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि देर शाम डीएसपी ने उन्हें बताया कि जस्सा ने पुलिस पूछताछ में अब दूसरी नहर में छात्रा को फेंकने की बात कबूल की है। गोताखोर के मुताबिक वीरवार को वह दूसरी नहर में छात्र को खोजबीन करेंगे। देखिए समाचार एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट। जो बच्चे वाला मामला की ट्रैकिंग का, परसों हमें एक सूचना मिली थी कि मिर्जापुर गांव के पास से स्कूल के आगे से कोई 10 साल के बच्चे को उठा के ले गया। इस पर सूचना मिलती हमने मुकदमा दर्ज करके और इसकी तफ्तीश जारी कर दी थी, और दौरान इन्वेस्टिगेशन एक लड़का हमने अक्षय समाना का लड़का है जो यहाँ पंजाब का आता जाता था, रिश्तेदारी में थोड़ी बहुत उसकी रिश्तेदारी पड़ती थी, तो उसको हमने अरेस्ट कर लिया और आज उसका 4 दिन का रिमांड भी लिया हमने। तो उससे पूछताछ में ही पता लगा था कि उसकी जो मरने वाला है लड़का, उसके फादर से कुछ दिन पहले पिछले महीने की 11 या 12 तारीख के आसपास उसकी थोड़ी हाथापाई हुई थी। उसके फादर ने इसको डांटा था कि भी इस गांव में कोई रिश्तेदार नहीं है तो तेरा क्या आना जाना है, तो इस वजह से वो खुंदक रखने लग गया था। तो जिसकी वजह से उस दिन कल आकर परसों आकर ये इस घटना को इसने अंजाम दिया और बच्चे को एज पर इस डिस्क्लोजर कि उसने नहर में फेंक दिया बच्चे को। तो कोई सर लेडीज का ही मामला सामने आया? हाँ, कुछ इसका प्रेम प्रसंग का मामला उसी गांव की एक लड़की के साथ सामने आया था, जिसको भी अरेस्ट किया गया है और आज 2 दिन के रिमांड पे उसको भी लिया गया है। तो क्या सर इसे लड़के ना उसको देख लिया था आपस में, दोनों को मिलता जुलता? अभी तक तफ्तीश में यही कुछ बात आई है कि बच्चे को कुछ एक बात इनके बारे में कुछ पता चली थी, तो जिस वजह से ये लड़का भी उससे थोड़ी सी खुंदक रखने लग गया था। तो बच्चे का भी नहर का शंका जताई रही है कि? हाँ, नहर की शंका जताई जा रही है। जहाँ इसने बताया कि गिरी है वहाँ तलाश की जा रही है, नहर थोड़ी सी अभी पानी ज्यादा है, इसकी वजह से आगे तक पूरा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो सर अभी रिमांड पे है दोनों? हाँ, अभी लड़का 4 दिन के रिमांड पे और लड़की अभी 2 दिन के रिमांड पे ली है। उम्र कितनी है इसकी? नहीं, वैसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बट इनका थोड़ा सा आपस में प्रेम प्रसंग का भी थोड़ा सा। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. aise hi latest khabrein paane ke liye bell icon ko click kar hamare channel ko like, share and subscribe kare. dhanyawad.